हेलो एवरीवन वेलकम टू दी कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म आज के इस सेशन से इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर अप करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज़ हमारी जो चल रही है उसको कवर अप करने के लिए आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको अवेलेबल होगा सो आज के सेशन के थ्रू हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं नेम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी देखिए नाम ना कई बार खुद से आंसर कर देता है कि हम टॉपिक में आज क्या पढ़ने वाले हैं तो आई बिलीव अगर आपको ये क्लियर हो ना कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है यूटिलिटी क्या होता है तो आपको काफी इजी लगेगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी तो आपके सामने एक जो डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम के पीछे भी एक रीजन है ये जो एप्पल एंड ऑरेंज का डायग्राम है एक कंज्यूमर जब भी कोई भी गुड बाय करने जाता है और उसके पास कई सारे ऑल्टरनेटिव है और वो उनमें से कुछ ऑल्टरनेटिव उसे सारे के सारे चाहिए लेकिन कौन सा कितना क्वांटिटी और किस प्राइस पे लेना है वो उसे डिसाइड करना होता है ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन हो सके ये कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू तो इस सेशन के थ्रू हम कवर अप करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन मीनिंग एजम्पन एग्जाम्पल एंड डायग्राम यानी कंप्लीट जो है आपकी कवरेज होगी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की इस सेशन को कवर अप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लॉ ऑफ़ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विब्रियम का एक बेसिक आइडिया लेकर के आएंगे ताकि ये जो अगर आप सेशन देखें तो आपको हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस गेन हो कि आपने जो है अच्छी नॉलेज गेन करी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी देखिए नाम खुद बोल रहा है इक्वी यानी इक्वल लेवल का आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना एक्स्ट्रा कॉमोडिटी आप कंज्यूम करेंगे ठीक है तो ह्यूमन की जो वॉन्ट्स है ना वो अनलिमिटेड है ठीक है क्या है अनलिमिटेड वॉन्ट्स है ठीक है वॉन्ट्स जो है कंज्यूमर की वो अनलिमिटेड है नीड्स उनकी बहुत ज़्यादा होती है एक कमोडिटी से डेफिनेटली ज़्यादा होती है अगर आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अंडरस्टैंड किया होगा जिसको uh, अगर हम दो गुड्स के रिस्पेक्ट में अगर देखें कि भाई हमें कौन से दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए ताकि हमें एज अ कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके तो उस अंडरस्टैंडिंग को उस लर्निंग को बोलेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या उसको अदर नाम भी दे सकते हैं हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन या लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्म या गोसन सेकेंड लॉ या लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डोंट वरी आपको ये सारी चीजें नोट डाउन नहीं करनी है सब कंटेंट आपके सामने है यू कैन रीड आउट है सो एक वर्ड इीट कर लेते हैं कि हमने क्या इंट्रोडक्शन में पढ़ा अभी तक टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्ट्स कंज्यूमर की अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं consumer needs more than one commodity so the law of diminishing marginal utility is extended okay so when we talk about the one commodity it's the dealing with the law of marginal utility diminishing marginal utility but when we talk about more than one commodity when a consumer needs more than one commodity to meet its wants the law of equilibrium equi marginal utility come into play right so it is also called as law of substitution why it is called as substitution it's because a consumer have an option to switch between the goods okay like orange and apple okay so consumer can switch between the goods so that, that's why it is called as a law of substitution द लॉ ऑफ कंज्यूमर इक्लिब्रियम वाई वी कॉल्ड इज एक्म कंज्यूमर इक्लिब्रियम बिकॉज दिस इज अ स्टेज विद्यूमर वॉन्ट अ गुड सैटिस्फेक्शन लेवल ये कैसा स्टेज है ना इक्वी आपको एक कंज्यूमर को इक्लिब्रियम प्रोवाइड करेगा यानी आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के बराबर हो जाएगी ठीक है कौशन के द्वारा दिया हुआ एक सेकेंड लॉ है इसलिए बोलते हैं कौशन सेकेंड लॉ या लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन सो so, आई बिलीव आपको ये टर्म्स ना रटने की भी जरूरत ना हो आज इस सेशन को सुनने के बाद आपके माइंड में सेटल डाउन हो जाए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दो या दो से अधिक कॉम्यूनिटी के लिए डील करता है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन दो से, से ज्यादा प्रोडक्ट के बीच का रिलेशनशिप है जिनके कंजप्शन से एक कंज्यूमर को मैक्सिमम ऑप्टिम सेटिस्फेक्शन मिलेगा ठीक है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन द कंज्शन ऑफ टू और मोर

सेटिस्फेक्शन ऑप्टिमम यानी दी बेस्ट सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन बाय द कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी तो ये मार्जिनल यूटिलिटी की एक मीनिंग आपको रिकॉल करा दी कि हमने क्या पढ़ा तो आई बिलीव आज आपको तो इस सेशन के थ्रू ये परमानेंटली क्लियर हो जाए भाई कि ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है क्या ये परमानेंटली सेटल हो जाए आपके माइंड में ठीक है तो एजें्पन्स क्या होंगे इस लॉ के पीछे कुछ ब्रीफ एजेंशन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है और अपने सेटिसफेक्शन पे उसका पूरा फोकस है उसे अपना सेटिसफेक्शन को मैक्सिमाइज करते चले जाना है ठीक है उन्होंने बोला कि यूटिलिटी जो है उसे नंबर्स कार्ड्स यानी कार्डिनल अप्रोच बोला गया है और उसे बोला गया है कि वो मेजर करना पॉसिबल है आप सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो नंबर्स में टेन ट्वेंटी थर्टी एंड लाइक दैट ठीक है मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी की वो कांस्टेंट रहेगी यानी जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है नॉट गुड्स की बात कर रही हूँ मैं मनी की बात कर रही हूँ वो कांस्टेंट रहेगी इनकम कांस्टेंट रहेगा कंज्यूमर का गिवन रहेगा ठीक है परफेक्ट कॉम्पिटिशन रहेगी मार्केट में ठीक है और प्राइस जो है कॉमोडिटीज के वो भी गिवन होंगे यानी कि कंज्यूमर नहीं डिसाइड करेंगे प्राइस जो मार्केट में गिवन है वो कंज्यूमर को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे प्राइस क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफ ऑफ लॉ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी नेक्स्ट है लिमिटेशन क्या क्या पॉसिबल लिमिटेशन हमें देखते हैं भाई लॉ ने बोला कि भाई कंज्यूमर uh, रैशनल है हर वक्त तो नहीं हो सकता और बोला इसे क्वांटिटी में कैलकुलेट uh, किया जाता है यूटिलिटी को नॉलेज को कैसे करोगे इट्स नॉट पॉसिबल फैशन और कस्टम इन्होंने बोला वो कॉन्स्टेंट है ऐसा तो एनी फैशन और कस्टम आपका वेरी करता चला जाता है ठीक है ये जो लॉ है आपके लो इनकम ग्रुप में एप्लीकेबल नहीं हो पाता ठीक है यूटिलिटी की बात बोली इन्होंने कहा कि ये मेजर हो सकती है जो कि एक्चुअली में पॉसिबल नहीं होता है ठीक है हर एक कंज्यूमर को वैरायटी नहीं चाहिए भाई कोई अगर एप्पल लेने गया है तो वो एप्पल ही लेकर के आएगा और उसी से उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा ठीक है लॉ 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 इज नो अवेलेबल अवेलेबल फॉर पे कोई ही नहीं नहीं तब भी ये ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये डील करता है टू या मोर के केस में और अगर प्राइस बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है तब भी ये लॉ आपका फेल हो सकता है तो क्या इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है भाई ये जो लॉ है ना हमारे सामने ये बताता है कि भाई रिसोर्सेज जो हैं वो काफी लिमिटेड हैं और कंज्यूमर को चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ठीक है तो कितना प्रोडक्शन होना चाहिए कितना मैक्सिमम प्रॉफिट तो इंडस्ट्री लेवल पे ये उन्हें हेल्प करता है ठीक है एक्सचेंज कैसे करना है गुड्स वेल्थ ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उसमें भी हेल्प करता है ये लॉ ठीक है पब्लिक फाइनेंस को फिक्स करने में मदद करता है ठीक है वर्कर्स को एलोकेशन में हेल्प करता है ये लॉ लॉ ऑफ इक्विटी मीन्स जब आप सब्सटीट्यूशन कर पाओगे ए और बी प्रोडक्ट में सो यू नो कि आपको किस पे कितना टाइम देना है कितना सेव करना है कितना इन्वेस्ट करना है कितना स्पेंडिंग करना है ठीक है उसमें भी आइडिया लगेगा एंड एक यूजफुल पिक्चर क्रिएट करता है सब्सटीट्यूशन केस में अगर प्राइस बढ़ रहा क्लियर सो so, ये बेसिक इंपॉर्टेंस है अब देख लेते हैं हम एक डायग्राम और और प्रेजेंटेशन ताकि आपको ये एग्जांपल क्लियर हो जाए तो आप देख सकते हैं हमारे पास कॉमोडिटीज है, हैं जो कंज्यूमर अपनी जो है अवेल करना चाहते हैं उनके पास जो सिक्स कॉम्योडिटी uh, है उसमें से उन्हें चूज करना है ठीक है तो हमारे सामने एग्जाम्पल है एक एप्पल एंड ऑरेंज का टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की गिवन है अगर आप देखें तो टोटल यूटिलिटी एप्पल की गिवन है 25, 45, 63, 78, 88 एंड 92, राइट right? और मार्जिनल यूटिलिटी है 25, 20. एटीन फिफ्टीन टेन एंड फोर रिस्पेक्टिवली अगर हमने कैलकुलेट करना है क्योंकि लॉ क्या बोलता है लॉ बोलता है कि दोनों प्रोडक्ट को वो तब तक अपने एक लिमिटेड इनकम से बाय करेंगे जब तक तो वो एक्लिब्रियम स्टेज पे नहीं आते यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट हमारे केस में एग्जाम्पल है एप्पल प्राइस ऑफ एप्पल ठीक है ये बराबर हो जाएगा आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी प्रोडक्ट यानी सेकेंड प्रोडक्ट जो हमारे केस में ऑरेंज है डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बी प्रोडक्ट ये दोनों आ जाएंगे इक्विब्रियम स्टेज पे यानी इक्वल स्टेज पे तभी इसे हम बोलेंगे लॉ ऑफ इक्विट मार्जिनल यूटिलिटी अटेन हो रहा है राइट right? तो हमारे इस गिवन केस में आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ठीक है हम मान लेते हैं कि जो हमारे ऑरेंज की कॉस्ट है ठीक है वो है ऑरेंज की कॉस्ट है आपकी रुपीज टू फॉर एग्जाम्पल राइट और आपके एप्पल सॉरी एप्पल की कॉस्ट है से रुपीज़ टू एंड ऑरेंज के कॉस्ट है वन रुपी की ठीक है तो अब इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या निकल के आ रही है डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए और रिस्पेक्टिवली फॉर बी तो यहां पे आप ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ट्वेल्व कैलकुलेट कर लेते हैं क्विकली ठीक है ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू क्यों किया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एट डिवाइडेड बाई प्राइस इसको भी याद नहीं करना समझना क्यों कर रहे हैं हम ऐसा ठीक है ट्वेल्व पॉइंट फाइव ये हो जाएगा आपका टेन ये नाइन हो जाएगा ये सेवन पॉइंट फाइव ये हो गया आपका फाइव और ये हो गया टू राइट रिस्पेक्टिवली यहाँ पे ऑरेंज की प्राइस है वन रुपीज़ तो ये हो गया आपका थर्टी एलेवन एट फाइव फोर एंड थ्री ठीक है तो हमने ये किया कि कंज्यूमर को जो है उसकी एंटायर इनकम कितनी निकल के आ रही है हम देख लेते हैं एक बार। की इलेवन रुपीज है ठीक है, उसके में जो पैसे है, 11 है अब कंज्यूमर को ये इलेवन रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने है उसे एप्पल बाय करना है कितना एप्पल बाय करना है और कितना ऑरेंज बाय करना है ठीक है so, सो एप्पल और ऑरेंज के प्राइसेस हमें रिस्पेक्टिवली गिवन है ठीक है उन्हें ऐसे कॉम्बिनेशन फ्रेम करने हैं जहां पे वो एक मैक्सिमम लेवल अटेन कर सके एक मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन कर ठीक है तो आपने देखा कि कैसे जो ये सिचुएशन अराइज हो रही है जहां पे जो कंज्यूमर हैं अपने जो मैक्सिमम यूटिलिटी की ओर वर्क करेंगे तो हम देख रहे हैं हमारे केस में क्या आ रहा है आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी क्योंकि इसके पॉकेट में जो है वो इलेवन है राइट आप तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करेंगे जहां पे कंज्यूमर की जो डिमांड है वो इक्वल स्टेज पे आ जाए जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए बाई प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी इज प्राइस ऑफ बी अगर हम डायग्राम में देखें कि ये यूनिट है एप्पल और ये प्राइस आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है जब प्राइस ए था यूनिट मतलब क्वांटिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ए वन आ गई ठीक है जैसे ही आपने क्वांटिटी बढ़ाई आपकी यूटिलिटी गिरती चली गई क्यों पिज्जा का एग्जांपल रिकॉल करो भाई हर एक पीस जब खाते चले जाओगे तो कैपेसिटी क्या होगी कम होती चली जाएगी गिरती चली जाएगी ठीक है सो so, हम देख रहे हैं डिक्लाइनिंग स्टेज राइट वैसे ही आपकी यूनिट ऑफ ऑरेंज में आपके पॉकेट में अब कम बचेगा और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेकेंड प्रोडक्ट में सो so, पहले था बी ठीक है बी वन जीरो से बी वन एंड देन बी टू क्लियर है तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इम्पैक्ट है आप देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या अमाउंट जो है स्पेंड हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी दिखा रहा है हमें वाई एक्सेस क्या दिखा रहा है मार्जिनल यूटिलिटी दिखा रहा है एप्पल एंड ऑरेंज की और एक्स एक्सेस हमें क्या दिखा रहा था ठीक है एक्स एक्सेस हमें क्या दिखा रहा था एक्स एक्सेस हमें दिखा रहा है कि मनी कितना स्पेंड किया जा रहा है ठीक है तो कंज्यूमर अगर जो है कितना अमाउंट स्पेंड करेगा फॉर एग्जांपल उसके पॉकेट में एलेवन है तो एक तो ये हो गया फाइव और फोर नाइन ठीक है ठीक है तो एक हम ये देख सकते हैं अगर सपोज करो दोनों का प्राइस से रुपीज़ वन हो गया तब उस केस में कॉम्बिनेशन क्या होगा वन सेकेंड प्लीज तो ये हो गया आपका ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एटीन फिफ्टीन टेन एंड फोर ठीक है ठीक है तो कंज्यूमर तब तक बाय करेगा जहां पे ये ए वन और बी वन की सिचुएशन नहीं आ जाती और दोनों इक्वल स्टेबल चेंजेस पे नहीं आ जाते यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है दोनों की वो इक्वल हो जाए और उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले ठीक है तो हम uh, देख सकते हैं हमारे एग्जाम्पल में कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल कब हो रही है दोनों के केस में ठीक है चाहे प्रोडक्ट ए हो लाइक एप्पल एंड प्रोडक्ट बी हो तो मार्जिनल यूटिलिटी इस इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे वी कैन नॉट से ठीक है ये अप्रोक्सीमेटली नियर बाय क्लोज किया है ठीक है सो so, हमें उसी स्टेज तक आना है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले ठीक है विद अवेलेबल इनकम जितनी भी इनकम उनके पास अवेलेबल है उस लेवल पे आने तक उनको जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले जब तक कंज्यूमर uh, को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा वो एक कॉमोडिटी कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा सपोज करो कि एप्पल वो कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा ताकि ऑरेंज ले ले और इक्वल एक लेवल पे दोनों क्रिएट हो जाए एकवल तो मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी वो स्पेंड करेगा कॉमोडिटी ए में वी कैन से ठीक है और अगर ये मार्जिनल यूटिलिटी ए की ज्यादा है प्रोडक्ट बी से ठीक है कंज्यूमर की जो कॉमोडिटी बी है तो कंज्यूमर क्या करेगा अपनी जो कुछ क्वांटिटी है वो विड्रॉ करेगा अपने परचेज से ठीक है और परचेज ऑफ बी और उसे स्पेंड करता जाएगा ए पे तब तक जब तक कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर नहीं हो जाती ठीक है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा और वो एक्म स्टेज पे आ जाएगा जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है सारे प्रोडक्ट्स की सपोज करो हमारे एग्जाम्पल में दो प्रोडक्ट है दो से ज्यादा भी हो जाते हैं तो जब तक कि वो इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक वो प्रोडक्ट में रीशफल करता रहेगा जब तक उसे इक्वल लेवल ऑफ दफेक्शन नहीं मिल जाता आई बिलीव ये आपको क्लियर हो रहा है बेसिक एग्जाम्पल थोड़ा सा फिशी हो गया अदरवाइज कि आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर तब तक ही अपने जो है ये वॉर करता रहेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट जितने भी हों चाहे वो दो प्रोडक्ट्स हों या दो से ज्यादा हों वो इक्वल नहीं हो जाते तब तक कंज्यूमर जो है अपनी जो है रीशफल करता है अपनी इनकम को ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन हो सके ठीक है सो आई बिलीव आज इस पर्टिकुलर सेशन से आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो अगर कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है आपको इस पर्टिकुलर तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आ, मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी हमने कंटेंट इंग्लिश में कवर अप किया ये आपके सामने हिंदी में कंटेंट अवेलेबल है आप वीडियो को पॉज करके इन कंटेंट को रीड कर सकते हैं अंडरस्टैंड कर सकते हैं ठीक है सो इकोनॉमिक्स की हमारी ये जो कंप्लीट सीरीज चल रही है इसमें हर एक टॉपिक को विद प्रिसाइस नॉलेज डिटेल नॉलेज इवन और हर एक छोटे पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसे कवर अप करें स्टिल इफ़ इन केस एनी पॉइंट इज़ मिस्ड अगर कोई आपको लगता है कि कोई पॉइंट हाईलाइटेड होना चाहिए तो उसे आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप उसे भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन से आपको पॉइंट वन परसेंट वैल्यू एडिशन हुआ तो हमारे साथ जुड़े रहें इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में till then take care bye-bye and jai him